भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनका इतिहास और महत्व अपने आप में बेहद अद्भुत है। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं का जिक्र है और भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में हर देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर और कई पूजा स्थल हैं, जिसकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग कहानियाँ हैं। ऐसे ही आपने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में तो जरूर सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त यहाँ भगवान वेंकटेश्वर को अपना बाल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ बाल अर्पित क्यों किए जाते हैं? तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे के रहस्यमय इतिहास और बाल अर्पित करने के वैज्ञानिक महत्व को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच सके। तो आंध्र प्रदेश की तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। इसे तिरुपति बालाजी के रूप में भी जाना जाता है और इसकी गिनती भारत के कुछ धनवान मंदिरों में होती है। यहाँ हर रोज दर्शन के लिए 50,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं। यहाँ दान में लोग धन दौलत तो देते ही हैं, साथ ही मनोकामना पूरी होने पर बालाजी को अपना बाल भी अर्पित करते हैं। आखिरकार यहाँ बाल क्यों अर्पित किए जाते हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी, चलो जानते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आती थी और दूध देकर चली जाती थी। इससे गाय का मालिक नाराज हो गया और कुल्हाड़ी से गाय का वध कर दिया। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर भी चोट आ गई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब उनकी माँ नीला देवी ने अपने बाल काटकर अपनी शक्ति से बालाजी के सिर पर लगा दिए। ऐसा करते ही भगवान का जख्म तुरंत ठीक हो गया और फिर से भगवान वेंकटेश्वर सुंदर दिखने लगे। और फिर भगवान देखते हैं जिस जगह से नीला देवी ने अपने बाल काटे थे वहाँ से खून निकल रहा था। भगवान उनके बलिदान से चकित होकर उनसे अपने बाल वापस लेने का अनुरोध करते हैं। इस पर नीला देवी भगवान बालाजी से कहती हैं कि वो अपने बाल जरूर वापस लेंगी, लेकिन अभी नहीं। भगवान बालाजी उनके बयान से हैरान होकर पूछते हैं कि फिर कब वो इन्हें वापस लेंगी। फिर नीला देवी कहती हैं कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम उनके बालों से जुड़ा हुआ है। बाल भी सुंदरता और गौरव का प्रतीक है। भविष्य में भगवान के सभी भक्त जो उनके निवास पर आते हैं अपने अहंकार को त्यागने और अपने पापों को दूर करने के प्रतीक के रूप में उन्हें अपने बाल अर्पित करेंगे। वो अर्पित होने वाले सभी बालों को स्वीकारेंगी, कहते हैं तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। और यहाँ बाल अर्पित करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल बालों का रंग काला होता है और इस रंग में आकर्षक गुण होते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर ये सकारात्मक ऊर्जा है तो आप आनंदित होंगे और अगर ये नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको समस्याओं की ओर ले जाएगी और इसका सीधा असर हमारी भावनाओं पर पड़ता है। और इसलिए हम अपने बालों को समर्पित करते हैं जिससे ऊर्जा और भावनाओं का संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, ये रहा बाल अर्पित करने के पीछे का रहस्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दें। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री वेंकटेश्वर महाराज।